आप देख रहे हैं भारतवर्ष 24 न्यूज़। मिर्जापुर नगर पालिका अध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार कमल खिलाया। बीजेपी के श्याम सुंदर केसरी ने जीत दर्ज किया। निर्दल प्रत्याशी मनोज श्रीवास्तव को कांटे की टक्कर में 4097 मतों से शिकस्त दिया। श्याम सुंदर केसरी को 34,499 मत प्राप्त हुए। वहीं निर्दल प्रत्याशी मनोज श्रीवास्तव को 30,402 मत प्राप्त हुए। चुनाव में भाजपा के निवर्तमान अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। बागी होकर चुनाव में ताल ठोककर बागी ने भी चुनौती पैदा कर दिया था। इसके बावजूद भी बीजेपी की जीत हुई। इस जीत को मां विंध्यवासिनी के साथ जनता का आशीर्वाद मानते हुए जीत के लिए संगठन और पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग को दिया है। नगर की जनता ने जो स्नेह और आशीर्वाद दिया है उसका आभार है। मैंने जो वादा किया है उसे पूरा करूंगा। मिर्ज़ापुर से गुफरान अहमद की रिपोर्ट। माता विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से, हमारी जन्म लेने वाली माता के आशीर्वाद से ये जीत में जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ काम किया, हमारे नेताओं ने उत्साह के साथ काम किया है, ये संगठन का जीत है, भारतीय जनता पार्टी का जीत है, मिर्जापुर के एक नागरिकों की जीत है। काफी आरोप भी लगता रहा जिस तरीके से निर्दलियों ने ताल ठोका और काफी आरोप लगा, तो उस पर क्या कहना है आपका? आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, जनता ने जवाब दे दिया है कि सभी आरोप निराधार है। जांच कराएंगे ये जो जीत है, इसको माना जा रहा है कि 2024 का सेमीफाइनल है। निश्चित तौर पे ये 2024 का सेमीफाइनल है, हम लोग 2024 भी जीतने जा रहे हैं। आपने जो वादा किया जनता से चुनाव के दौरान, वादों को कितना पूरा करेंगे? निश्चित तौर पे जो वादा आपने किया है मेरा पूरा प्रयास आज भी है। जो बातें मैंने कही हैं, चाहे वो स्वच्छता के मामले में हो, चाहे माता गंगा में बहते हुए जो नाले हैं उसके बारे में हो, चाहे पार्कों के बारे में, मेरा पूरा प्रयास होगा कि अपना मिर्जापुर नगर स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर हो। जनता जनता को क्या कहना चाहेंगे, नगर की जनता को इस जीत के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं नगर की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने मुझे स्नेह प्यार दिया है, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है।